हमारा फोन वन फाइव पे वाले अगर हम मर गए तो हमारी पैदा नहीं भाई। Come on forward. Okay, get down. Okay, get back. Okay, let's go forward. थोड़ा तेज मारो। मॉर्निंग गाइज, आज की सुबह वैसी नहीं हो रही जैसी रोज होती है। आज की सुबह हो रही है हमारी इसकी बात ही हो रही है। और भाई साहब यहाँ तो ठंड बढ़ रही है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ कोए की आवाज आ रही है, शांति वाला माहौल है। और अभी यहाँ से हम जाएंगे राफ्टिंग करने, वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। ये देखो भाई तुम नदिया देखो, नदी मस्त नजारे हैं। ये हमारे कैंप से तो चाय मिल जाए, मजा ही आ जाए क्योंकि सुबह उठते ही चाय मुझे। इसका सेकंड दिन है, 9 बज गए और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अब आएगा नहाने मजा, उधर तो बर्तन भी धुल रहे हैं, इसी पानी में नहाना पड़ेगा, नहाना कैंसिल। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया खत्म। भाई राफ्टिंग कितने बजे लेके जाएंगे? भाई अब यहाँ से हम अपने सामान वामान पैक कर रहे हैं और राफ्टिंग के लिए निकल रहे हैं। कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। आ गए हैं हम राफ्टिंग के ऑफिस, यहाँ से हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए। चलो सर, यहाँ से हमें गाड़ी लेके जाएगी और यहीं छोड़ेंगे। हमारा फोन वन फाइव पे वाले अगर हम मर गए तो हमारी पैदा नहीं भाई, ठीक है। शायद हम इस ब्लॉग को ना डाल पाए। भाई हमने जूते यहीं उतार दिए, अगर भाई नहीं आए ना तो ये बाइक है डबल नाइन। रख दे यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास है ना फोन है। तैयार होगी फिर हम तैयार होंगे। ओहो बड़ी जल्दी है तुझे, तैयार होगा हमारा लौंडा। फाइनली हम राफ्टिंग की लोकेशन पर आ गए, हम यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो भाई वी आर रेडी और हमारे साथ ये भी हैं। किसी को पानी में जाना है, पैडल लो, होल्ड करो, गो जंप। हाँ उतर जाओ। तेज मारो फ्रंट वालो सबको। ओके रिलैक्स। Let's go.
सा तो छोटा राफ्टिंग करके आ गए हैं। मजा आ गया ऋषिकेश आए तो राफ्टिंग जरूर करना करना ऋषिकेश ही मत आना। कैसे चिंत मजा आया 16 किलोमीटर नहीं आपके 32 ना जो आएगा सब खाने के लिए जा रहे हैं हम बर्गर किंग जा रहे हैं। भूख लगी बहुत तेज यहीं पे आस पास डोमिनोज भी है बर्गर किंग भूख लग रही है हम पहुंच गए बर्गर किंग बहुत जल्दी यहीं लगा दो भाई बर्गर किंग आ गए अब कुछ टेस्टी मिलेगा ये खाने का सामान और ये हमारा वेटर ये लग रहे हैं डिलीशियस। तो भाई अब यहाँ ऋषिकेश से घर के लिए निकल गए और इस बंदे को देखो क्या कर रहा है। भाई यहाँ से लग जाएंगे मैं 5 से 6 घंटे और अभी टाइम हो रहा है 3 हो रहे हैं तो लगभग 5 घंटे 8:30-9 बजे पहुँच जाएंगे हम घर। 24 किलोमीटर चल चुके हैं और टोटल जो हमारा अभी ऋषिकेश तक था 292 चल चुकी है। तो भाई थोड़ी दूर ही चले हैं अभी तो 4-5 किलोमीटर लेकिन लग रही थी हमें प्यास का। तो भाई एक स्टॉप होल्ड लिया है नेशनल फूड कोर्ट पे और अभी यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर रह गया होगा ना अपना घर और 160-170 किलोमीटर रह गया भाई। अभी हम पता नहीं कहाँ है लेकिन हमारा घर जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर रह रहा है। मेरठ में मुजफ्फरनगर पहुँचने वाले हैं 20 किलोमीटर बाद। कम्फर्ट नहीं है बाइक में, है नहीं टूरिंग के लिए। पिछवाड़ा दर्द कर रहा भयंकर। एक वेज फ्राइड राइस, एक मिक्स पकोड़ा, सिकंजी और एक कोल्ड कॉफी। भाई ये हमारा लास्ट स्टॉप है, इसके बाद हम सीधा घर रुकेंगे। अपने फ्राइड राइस भी आ चुके हैं, पकोड़े भी आ चुके हैं, सिकंजी तो आ ही चुकी है। अब खाते हैं पीते हैं और अब सीधा रुकेंगे अपने घर पे। भाई इन सब चीजों में हमारा पेट नहीं भरा इसलिए हमने और मंगा लिया। अभी नूडल्स, एक सिकंजी और एक डाइट कोक मंगाई है। भाई यहाँ का बिल आया हमारा 697 का। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की और सिकंजी के तो क्या कहने। भाई अब हम पहुंच गए, टाइम हो रहा है 8:37 और भाई साहब पूरे दुख चुके हैं हमारे पीछे दोनों मर गए इस ट्रिप के अंदर। अभी आए हैं जस्ट और भाई इसके शायद 2 या 3 एपिसोड आएंगे तो इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी राइड अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। हम और कहीं भी चले जाएंगे, क्यों बाइक से नहीं गाड़ी से। तुम्हें लगे कि वहां जाना चाहिए तो आप बता देना, हम वहां पहुंच जाएंगे लेकिन गाड़ी से इस बार क्योंकि इसमें हमारी दिक्कत हो गई। तो भाई अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।